टिकटॉक में ऐड नहीं आता तो ये पैसे कमाते किस तरीके से हैं? ये टिकटॉकर्स इतने रिच कैसे होते हैं? काफी सारे लोगों को ये डाउट होगा कि क्या टिकटॉक से पैसे कमा सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों दिन रात मेहनत करके लोग टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं? क्यों लोग टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं? और अगर टिकटॉक से पैसे मिलते हैं तो किस तरीके से मिलते हैं? आप भी टिकटॉक से कैसे पैसे कमा सकते हैं? ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं टिकटॉक से पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं। अगर एक वर्ड में बोलूं तो नहीं, लेकिन फिर भी ये टिकटॉकर्स पैसे किस तरीके से कमाते हैं, किस तरीके से आप भी पैसे कमा सकते हैं, ये आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले ये जान लीजिए, कोई भी ऐप या वीडियो जो आप क्रिएट करते हैं उसमें आपको एड्स ही पैसे मिलते हैं। अगर आपकी वीडियोज में एड्स चलेगा तभी आपको पैसे मिलेंगे। अब इसको आप शॉर्टकट में ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका एक ब्रांड है और आप उसको ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते हैं, तो मैं अपने उस ब्रांड का एड चलवाऊंगा। जस्ट सपोज मैंने उस एड के लिए 10,000 रुपए पे करे हैं, जिस भी साइट या प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैंने उस एड को प्लेस किया है। अब वो काफी सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए उस एड को अलग अलग वीडियोस ऐप में रन करवाएगा। अब ये सारी बातों के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जितना महंगा ऐड होगा उतना अच्छा रेवेन्यू आपको मिलेगा। लेकिन टिकटॉक में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही टिकटॉक में हमारी वीडियोस में ऐड आते हैं। तो बात ये आती है कि टिकटॉकर्स वीडियो बनाते क्यों हैं, क्यों वीडियोस को बनाने में इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो ये सब क्या वो वीडियोस के व्यूज के लिए करते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर मैं अपने यूट्यूब में 5 मिनट की कोई वीडियो बनाता हूँ तो उस पर उतने व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि वो सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस को ही पसंद आएगी जिसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। और वीडियोस की लेंथ की वजह से भी काफी सारे लोग वीडियोस को नहीं देखेंगे। लेकिन टिकटॉक वीडियोस जो कि अप्रोक्सीमेट 15 सेकंड्स की होती है, इसी वजह से लोग उसे देख लेते हैं। और दूसरा, सजेशन या फिर किसी दूसरी वीडियोस के नीचे आपकी वीडियोस आती है, उस वजह से भी लोग स्क्रॉल करके आपकी वीडियोस तक पहुंच जाते हैं। इसी वजह से टिकटॉक वीडियोस पर काफी जल्दी काफी सारे व्यूज फॉलोवर्स मिल जाते हैं। बस इसी फॉलोवर्स और वीडियोस के व्यूज के लिए लोग टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं, या फिर हम इसे एक वर्ड में बोले तो लोग पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए वीडियोस में अपना टाइम और मनी दोनों स्पेंड करते हैं। गाइस अब हम बात करें कुछ पॉपुलर टिकटॉकर्स की, लाइक जन्नत जुबैर, टीम 07। ये लोग टिकटॉक की वजह से ही आज इस मकाम पर हैं। ये लोग किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं ये आपको वीडियो में बता रहा हूँ। जो टिकटॉकर्स ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, चाहे वो अपने वीडियोस की वजह से या फिर अपनी एक्टिंग की वजह से, तो ऐसे लोगों को ब्रांड प्रमोशन के लिए एड्स वगैरह मिलते हैं। अब आप लोगों ने काफी सारे टिकटॉकर्स को एड वगैरह में देखा होगा, तो ये एड कई तरीके के होते हैं। कुछ एड सस्ते होते हैं तो कुछ एड महंगे होते हैं। अगर हम एक एवरेज एड की बात करें तो इनको 15,000 से 20,000 रुपए पर एड्स का मिल जाता होगा। अब गाइस अब तो ये एक तरीका हो गया। अब एक और तरीका है जिससे ये टिकटॉकर्स पैसे कमाते हैं, वो है सॉन्ग वगैरह से। कुछ कंपनियां म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनीज या वीडियो प्रोडक्शन कंपनीज या सॉन्ग वगैरह या शॉर्ट क्लिप्स वगैरह क्रिएट करती हैं, तो वो इनसे कॉन्टेक्ट करती हैं इनकी एक्टिंग को देखकर, इनकी वॉइसेस को देखकर। अब इनको ऑन एन एवरेज एक वीडियो एड का 7 से 10% कंपनीज देती है। अगर एक वीडियो सॉन्ग से 10 लाख रुपीज कमाई होती है तो इसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एडिटर, कंपोजर, इस तरीके से सारी पूरी टीम होती है। ये पैसे उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इससे भी इनको काफी अच्छा पैसा मिल जाता है। तो गाइस ये तो हुई कुछ फेमस टिकटॉकर्स की बात। अगर आप भी टिकटॉक में अपना करियर को देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितना मेहनत, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, और सभी को ये सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती। अगर आप थोड़ा पॉपुलर हो जाते हैं तभी आपको छोटे एड्स मिलेंगे, लाइक कोई स्पीकर या एयरफोन या स्मार्ट वॉच, इस तरीके से एड्स मिलेंगे। तो गाइज अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या नहीं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ये टिकटॉकर्स पैसा कमाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स। अगर आप और भी इसी तरीके की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी कोई भी वीडियोस की अपडेट्स को मिस ना करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।